जीवन साथी कौन है? ये बड़ा अहम सवाल है। चलिए कुछ ऑप्शंस में देता हूं। ए मां, बी पिता, सी पत्नी, डी बेटा, ई पति, एफ बेटी या एच में आप ले लीजिए दोस्त। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहां इस बात का भ्रम पाले हुए हैं, इसलिए वक्त रहते संभल जाने की जरूरत है। वास्तविक जीवन साथी आपका शरीर है। एक बार जब आपका शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप और आपका शरीर एक साथ रहते हैं। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है और वो आपके पास वापस आ जाएगा। जितना अधिक आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे ये उतनी ही आपकी देखभाल करेगा। आप क्या खाते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, आप तनाव से किस तरह से निपटते हैं, आप अपने शरीर को कितना आराम देते हैं, कितना इसको काम में लेते हैं, आपका शरीर तय करेगा कि ये किस तरह और कैसे प्रतिक्रिया देगा। याद रखें कि आपका शरीर स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। आपका शरीर आपकी परिसंपत्ति देनदारी है जिसे कोई और साझा नहीं कर सकता। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप ही इसके वास्तविक जीवन साथी हैं। हमेशा फिट रहें, अपना ख्याल रखें। पैसा आता है और चला जाता है, रिश्तेदार और दोस्त स्थायी सदस्य नहीं हो सकते। आपके अलावा कोई भी आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता और ये इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि जब तक आप स्वस्थ हैं आप सभी को अच्छे लगेंगे। जैसे ही आपके शरीर ने साथ छोड़ा आप जिनके प्यारे थे उन सभी को बोझ लगने लगेंगे, फिर चाहे वो आपका और आप उनके कितने ही प्यारे क्यों ना हो। इसलिए समय रहते स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अच्छा खाएं, सभी का अच्छा सोचें, अच्छा पहने, सादा जीवन और उच्च विचार रखें। प्राणायाम लैंगस्टन के लिए, ध्यान मन के लिए योगासन, दिल के लिए लंबा चलें, आंतों के लिए अच्छा खाएं जिसमें फल सब्जी अंकुरित अनाज शामिल करें, आत्मा के लिए शुद्ध विचार और अंत में इस दुनिया के लिए अच्छे काम करें। अपना ख्याल रखें।